अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको आंखें जिनकी नज़र कमज़ोर हो उनके लिए और जिनकी आंखों में दर्द हो या वर्म आ जाए या इस तरह की कोई चीज़ें प्रॉब्लम्स हो उनके लिए आपको देसी टोटके बताऊँगी, ठीक है? आई होप सो आप उनको फॉलो करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करना चाहता था कि आप इस तरह के देसी टोटके मेरे मिस ना कर सकें। अभी आजकल मेरा देसी टोटकों का मूड है कि मैं कुछ दिनों तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देसी टोटके यानी कि देसी इलाज के तरीके जो आपके घर के किचन से ही आप तक पहुँचते हैं वो पहुँच सकें। तो अब मैं आपको तीन चार बताऊंगी, आप अपना पेन और पेपर रेडी कर लें और लिखते जाएं। सबसे पहले मैं आपको आंखों के वर्म के लिए बताऊंगी कि अगर किसी की आंखों में दर्द हो या सोजश हो तो सुहागा का आपको पता ही होगा, उसको आपने लेकर उसको भून लेना है और फिर आपने उसको खुरली में, जो आपके पीसने वाला होता है चटुवट्टा, उसमें पीस लेना है अच्छी तरह। उसको आपने आंखों में दो दफ़ा लगाना है, थोड़ा सा जो आपकी सुरमे वाली सिलाई होती है उससे लगा लें, या कोई भी आपके पास धुली हुई कोई चीज़ है जिससे आंखों में लगाया जा सकता है, उसको साफ हो, स्टरलाइज्ड हो, ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सुहागा को मैं लिख दूंगी इंग्लिश में भी कि उसको क्या कहते हैं। तो उसके अलावा सेकंड ये है, जिनकी आंखों में दाने निकल आए उनको माश की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आंखों के दाने या इस किस्म की चीज़ों को के लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। ये थोड़ा सा ज़रा जो थर्ड है ना, ये थोड़ा सा वियर्ड है, बट आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि उसका फ़ायदा है, इसलिए फ़ायदे के पीछे तो हम करना चाहिए। अगर किसी की आंखों में दर्द हो तो खालिस दूध की जो मलाई होती है उसको रुई पे रखें और उसको आंखों पे बांध लें रात को सोते वक्त, और आपने ऐसे ही सो जाना है। सुबह आपके आंखों का दर्द बिल्कुल गायब होगा, कोई भी मसला या इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। एक और जो हमारा चौथा टोटका है वो ये है, अगर आंखों में आपके दर्द है या कुछ मसला हुआ है तो आप असली शहद जो होता है, आपको ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि शहद असली है या नहीं, उसको आपने आंखों में उसके सिलाई की तरह जैसे लगा लेना, और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट बाद आंखें धो लेनी है। ये अच्छा होता है, बट इसके लिए शहद का असली होना ज़रूरी है, वो लगता नहीं है आपको, जो नकली शहद होगा वो लगेगा आंखों में। अब लास्ट टोटका, जो कि बहुत लोगों ने सुना भी होगा और मे बी एक तरह सुन के री इन्फोर्समेंट हो जाएगी अगर मैं उनको बताऊँगी, वो आपकी आई साइट के लिए है। जिनकी बहुत ज़्यादा आई साइट वीक होती है वो भी ये लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, क्या आपने बादाम लेनी है, सौंफ लेनी है, मिश्री लेनी है, और चने होते हैं ना जो काबली चने हैं जिनका छिलका उतरा हुआ होता है, इन सबको लेके ना आपने बराबर ग्राइंड कर लेना है, और इसको रात को सोते हुए ना आपने दूध के साथ एक चम्मच टेबल स्पून वो खा लेना है उस सफूफ को, ठीक है? वो पाउडर सा बन जाएगा, उसको आप रख लें बना के, और आपने कंटिन्यूटी में करते रहना है। बच्चे भी कर सकते हैं, 10 साल से ऊपर वाले बच्चे, 12 साल से ऊपर वाले बच्चे, आप इनको 12 साल से ऊपर करवाएं, उससे नीचे ना करें, थोड़ा सा गर्म भी होता है, तो ये आपने करवाना है। तो जिनकी जितनी से जितनी आई साइट होगी ना, वो भी एटलीस्ट नंबर आपका काफ़ी कम हो जाएगा, और बाद में आप उसको लेज़र करा सकते हैं, ना भी कराएं तो कई कई जगहों पर तो ये भी है कि वो ठीक ही हो गया इस टोटके के साथ। अब इसके बाद आपने पानी नहीं पीना, आपने सिर्फ ये खाना है और सो जाना है, और ये करते रहें। और बस ये आज के हमारे आंखों के लिए थोड़े से टोटके थे जो कि बहुत अच्छे हैं। मैंने काफ़ी सिलेक्टिव आपके सामने लेकर आती हूँ, होते तो बहुत ज़्यादा हैं बट सारे किए भी नहीं जाते, और जो उनसे हमारे पास रेडिली अवेलेबल होते हैं मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ढेर सारा ख्याल करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं, फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, टिप्स कैसी लग रही हैं, कि आप उनको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।